दरिद्रों के लिए यज्ञ तुल्य फल देने वाले उपवास व्रत का उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीर्थ की महत्ता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, राजा और राजकुमारों के पास धन की कमी नहीं होती, वे एकाकी और असहाय भी नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होना संभव है, किंतु धनहीन, निर्गुण, एकाकी और असहाय मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए जिस कर्म का अनुष्ठान दरिद्रों के लिए भी सुगम तथा बड़े-बड़े यज्ञों के समान फल देने वाला हो, उसी का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अंगीरा मुनि की बतलाई हुई जो उपवास की विधि है, वह यज्ञों के समान ही फल देने वाली है। उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पुरुष अहिंसा परायण हो, नित्य अग्नि होत्र का अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में जलपान तक नहीं करता, उसे 6 वर्षों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह अग्नि के समान तेजस्वी प्रजापति लोक में 1 पद्म वर्षों तक निवास करता है। जो 1 पत्नी व्रत का पालन करते हुए निरंतर 3 वर्षों तक प्रतिदिन 1 समय भोजन करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नित्य अग्नि में होम करता हुआ 1 वर्ष तक प्रति दूसरे दिन 1 बार भोजन करता है तथा सदा सवेरे उठता और अग्निहोत्र के कार्य में लगा रहता है, वह भी अग्निष्टोम यज्ञ के ही फल का भागी होता है। जो 12 महीनों तक प्रति तीसरे दिन 1 समय भोजन करता, नित्य सवेरे उठता और अग्निहोत्र किया करता है, उसे अति रात्र याग का उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वह पुरुष 3 पद्म वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अग्निहोत्र पूर्वक 12 महीनों तक प्रति 4थे दिन 1 बार अन्न ग्रहण करता है, वह वाजपेय यज्ञ के उत्तम फल का भागी होता है तथा वह इंद्रलोक में रहकर सदा देवराज की क्रीड़ाओं को देखा करता है। 12 महीनों तक प्रति 5वें दिन 1 समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करने वाला लोभहीन, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त, अहिंसक, ईर्ष्या रहित और पाप कर्म से दूर रहने वाला पुरुष द्वादशाह यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वह 51 पद्म वर्षों तक स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो प्रति 6थे दिन 1 वक्त भोजन करके 12 महीनों तक मौन भाव से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता, 3ों समय नहाता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालता है, वह मनुष्य 2 पताका, 18 पद्म, 1,300 करोड़ और 50 अयुत वर्षों तक तथा 100 ऋचों के चमड़ों में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। जो 1 वर्ष तक प्रति 7वें दिन 1 समय भोजन करता, नित्य अग्नि होत्र करता, वाणी को नियम में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह असंख्य वर्षों तक देवताओं और इंद्र के लोक में निवास करता है तथा जिस यज्ञ में बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दी जाती है उसके फल का वह भागी होता है। जो प्रति 8वें दिन 1 वक्त भोजन करके 12 महीनों तक क्षमाशील, देव कार्य परायण और अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जो प्रति 9वें दिन 1 समय अन्न ग्रहण करके वर्ष भर नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उसे 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह पुंडरीक के समान श्वेत वर्ण के विमान पर आरूढ़ हो रुद्रलोक में जाकर वहां 1 कल्प, 1,00,000 करोड़ और 18,000 वर्षों तक सुख भोगता है। जो प्रति 10वें दिन
एक समय भोजन करके 12 मासों तक नित्य अग्नि में हवन करता है, वह ब्रह्मलोक का निवासी होता है। उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल मिलता है, तथा वह नीले और लाल कमल के समान अनेकों रंगों से सुशोभित मंडलाकार घूमने वाला, सागर की लहरों के समान ऊपर नीचे होने वाला, विचित्र मणि मालाओं से अलंकृत और शंख ध्वनि से परिपूर्ण विमान प्राप्त करता है। जो पुरुष 12 महीनों तक सदा 11वें दिन भोजन करते हुए अग्नि में हवन करता है, मन और वाणी से भी पर स्त्री की अभिलाषा नहीं करता तथा माता पिता के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता, वह विमान में विराजमान परम शक्तिमान देव देव महादेव जी के पास गमन करता और 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पास ब्रह्मा जी का भेजा हुआ विमान स्वतः उपस्थित दिखाई देता है। उसी पर बैठकर वह रुद्र लोक में जाता है और वहां असंख्य वर्षों तक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव दानव वंदित भगवान शंकर को प्रणाम करता है। वे भगवान उसे नित्य प्रति दर्शन देते रहते हैं। जो 12 महीनों तक प्रति 12वें दिन केवल घी पीकर रहता है, उसे सर्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां उसे बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं से युक्त महल प्राप्त होते हैं, जो उसकी सेवा करने वाले हजारों नर नारियों से भरा रहता है। इस प्रकार महाभाग अंगीरा मुनि ने उपवास का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर, इन उपवास व्रतों का अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्यों ने यज्ञ का फल प्राप्त किया है। जो मनुष्य उपवास पूर्वक देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। नियमशील, सावधान, पवित्र, महामना, दंभद्रोह विहीन, विशुद्ध बुद्धि, अचल और स्थिर स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए मैंने यह उपवास की विधि बतलाई है। इससे तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ हो तथा जहां जाने से परम शुद्धि हो जाती हो, उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब मनीषी पुरुष के लिए गुणकारी होते हैं, किंतु उन सब में जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ हैं, उसका वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। जिसमें धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप जल भरा हुआ है, तथा जो अगाध, निर्मल एवं अत्यंत शुद्ध है, उस मानस तीर्थ में सदा सत्व गुण का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए। कामना का अभाव, सरलता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, क्रूरता का अभाव, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह, ये ही इस मानस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले पवित्रता के लक्षण हैं। जो ममता, अहंकार, द्वंद और परिग्रह का सर्वथा त्याग करके भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, वे विशुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। जिसकी बुद्धि में अहंकार का नाम भी नहीं है, वह तत्वज्ञानी श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। जिनके मन से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण दूर हो गए हैं, जो बाहरी पवित्रता और अपवित्रता पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य में परायण रहते हैं, जिन्हें सर्वस्व के त्याग में ही प्रसन्नता होती है, जो सर्वज्ञ, समदर्शी तथा शौचाचार का पालन करने वाले हैं, वे संत पुरुष ही परम पवित्र तीर्थ स्वरूप हैं। शरीर को केवल पानी से भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। सच्चा स्नान तो उसी ने किया है जो इंद्रिय संयम में निष्णात है। जितेंद्रिय पुरुष ही बाहर और भीतर से शुद्ध माना गया है,
जो नष्ट हुए विषयों की परवाह नहीं करते, प्राप्त हुए पदार्थ में ममता नहीं रखते, तथा जिनके मन में कोई इच्छा पैदा ही नहीं होती, वे ही परम पवित्र हैं। इस जगत में प्रज्ञान ही शरीर शुद्धि का विशेष साधन है। इसी प्रकार अकिंचनता और मन की प्रसन्नता भी शरीर को शुद्ध करने वाले हैं। शुद्धि चार प्रकार की है: आचार शुद्धि, मनः शुद्धि, तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि। इसमें ज्ञान से प्राप्त होने वाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मानस तीर्थ में प्रसन्न मन से ब्रह्म ज्ञान रूपी जल के द्वारा जो स्नान किया जाता है, वही तत्व ज्ञानियों का स्नान है। जो सदा शौचाचार से संपन्न, विशुद्ध भाव से युक्त और सद्गुणों से विभूषित है, उस मनुष्य को सदा शुद्ध ही समझना चाहिए। यह मैंने शरीर में स्थित तीर्थ का वर्णन किया। अब पृथ्वी के पुण्य तीर्थों का महत्व सुनो। जैसे शरीर के विभिन्न स्थान पवित्र बतलाए गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और वहां का जल पुण्यप्रद माना गया है। जो लोग तीर्थों का नाम लेकर तीर्थों में स्नान करके तथा उनमें पितरों का तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, वे बड़े सुख से स्वर्ग में जाते हैं। पृथ्वी के कुछ भाग साधु पुरुषों के निवास से तथा स्वयं पृथ्वी और जल के तेज से अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर और मन में भी अनेकों पुण्यमय तीर्थ हैं, जो इन दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान करता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है।